नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। जी हाँ, पांच बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आपको बता दें कि टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है और टीम इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो काफी ज्यादा खराब गया। आपको बता दें कि जीत का तोहफा जरूर देना चाहते थे विराट कोहली, लेकिन लॉर्ड्स में टीम इंडिया की करारी हार हुई। लेकिन तीसरे टेस्ट में विराट कोहली ने कई बदलाव करने का मन बना लिया है और साफ तौर पर विराट कोहली ने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दी है कि वो तीसरे टेस्ट में खेलेंगे और अगर वो खेलेंगे तो वो टीम में बदलाव करेंगे। यानी कि ऋषभ पंत का खेलना तय है, करुण नायर का भी खेलना लगभग तय है। अब कौन से दो बल्लेबाजों को विराट कोहली बाहर करते हैं ये देखना भी वाकई दिलचस्प होगा। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर कई लोगों ने आलोचना भी की है और कई लोगों ने समर्थन भी दिया है। कई लोगों ने कहा है कि ये वही टीम है जिसने टीम जो फर्श से अर्श पर आई है, जो नंबर वन बनी है। आज दो टेस्ट मैच, दो खराब टेस्ट मैच की वजह से आप एक टीम के प्रदर्शन को नहीं आंक सकते। हालांकि BCCI ने भी जवाब मांगा है टीम इंडिया के मैनेजमेंट से कि भाई आप हमें जवाब दीजिए, आपने बोला हमें प्रैक्टिस मैच नहीं खेलना, हम प्रैक्टिस मैच हमने आपको नहीं दिया, आपने बोला कि हमें कोर टीम भेजना चाहते हैं जो इंडिया ए के रूप में थी, हमने वो भी भेजी और आपके दो सीनियर खिलाड़ी भेजे, लेकिन आपके सीनियर खिलाड़ी भी पूरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं। तो अब आखिर आप भरोसा करेंगे किस पर? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप इंडिया से भी प्लेयर्स लेकर जाइए। अब यहाँ पर कई सारे सवालात हैं, कई सारे जवाब मिलने बाकी हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है आज की पाँच बड़ी खबरें, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हसीन जहां पिछले चार महीनों में मोहम्मद शमी पर कई ऐसे इल्जाम लगा चुकी हैं जो अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में खबरों की माने तो हाल ही में हसीन जहां ने एक ऐसा इल्जाम लगाया है जो बेहद शर्मनाक है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों मोहम्मद शमी इंग्लैंड दौरे पर हैं और इंग्लैंड में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में हसीन जहां ने कहा कि इंग्लैंड जाकर मोहम्मद शमी फिर से अय्याशी करनी शुरू कर चुके हैं और उन्हें पूरी तरह से पता है कि वो रात को कई लोगों के साथ होटल में रहते हैं। ऐसे में हसीन जहां का ये इल्ज़ाम लगाना टीम इंडिया को भी बदनाम कर सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हसीन जहां के इस बयान पर क्या जवाब मिलता है मोहम्मद शमी की तरफ से। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच ट्रेवर बेलिस का कहना है कि उनकी टीम के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 40 की उम्र तक गेंदबाजी कर सकते हैं। खबरों की माने तो 36 वर्षीय एंडरसन ने भारत के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में इंग्लैंड को मिली जीत में अहम भूमिका निभाई है। अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एंडरसन ने ICC के टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया। ये उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। एंडरसन ने शीर्ष स्थान पर रहते हुए 903 अंक लिए हैं। ऐसे में वो 900 अंक का आंकड़ा पार करने वाले इयान बोथम के बाद पहले इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। बोथम ने 1980 में 900 का आंकड़ा पार किया था। कोच बेलिस ने कहा कि अगर आप दुनिया के अन्य गेंदबाजों से एंडरसन की तुलना करते हैं तो कई अन्य गेंदबाज 30 की उम्र में कमजोर पड़ने लगते हैं, केवल कुछ बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं जो अपनी क्षमता को बरकरार रखते हैं। ऐसे में एंडरसन दर्शा रहे हैं कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बेलिस ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्र मायने रखती है, वो फिट हैं और स्वयं को फिट रखते हैं, तो जब तक उनका शरीर फिट रहेगा इसमें कोई शक नहीं कि वो अगले 3 से 4 साल तक इस प्रदर्शन को जारी रख सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट में करारी शिकस्त झेल चुकी है। आपको बता दें कि इसके बाद टीम इंडिया की जमकर आलोचना भी की जा रही है। ऐसे में तीसरे टेस्ट से पहले एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो काफी हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, खबरों की माने तो विराट कोहली अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और अगर वो फिट नहीं होते हैं तो विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। खबर ये भी आ रही है कि विराट कोहली का पुराना पीठ का दर्द भी फिर से सामने आ गया है, जिसकी वजह से विराट कोहली तीसरे टेस्ट से बाहर रह सकते हैं। ऐसे में अगर विराट कोहली नहीं खेलते हैं तो रविचंद्रन अश्विन को टीम इंडिया का कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे भी फॉर्म में नहीं है और अगले मैच से उन्हें भी ड्रॉप किया जा सकता है। ऐसे में अश्विन का कप्तानी करना कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अश्विन पहले भी IPL में टीम के लिए कप्तानी कर चुके हैं। ऐसे में अश्विन को अगर कप्तानी मिलती है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। टीम इंडिया के मौजूदा इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट मैचों में खराब प्रदर्शन से सीख लेते हुए BCCI की देखरेख करने वाली प्रशासकों की समिति ने हेड कोच रवि शास्त्री को फटकार लगाई है। COA ने कहा कि सीरीज के लिए पर्याप्त तैयारी का समय दिया गया, जिसके बावजूद टीम इंडिया का लचर प्रदर्शन रहा, यह स्वीकार्य कहीं नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया 194 के लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी और 31 रन से मुकाबला गंवा बैठी। विराट कोहली की लीडरशिप वाली टीम इंडिया को लॉर्ड्स पर दूसरे टेस्ट में भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। टीम इंडिया ने यह टेस्ट एक पारी और 159 रनों के विशाल अंतर से गंवाया और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई।
सूत्रों की माने तो सीओए ने रवि शास्त्री को स्पष्ट किया है कि टीम को इतनी जल्दी इंग्लैंड भेजकर परिस्थितियों में खुद को ढालने का पर्याप्त समय दिया गया। शीर्ष क्रम का इतना खराब प्रदर्शन प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। समिति ने अपने संचार में इसका भी उल्लेख किया कि इस मामले में हेड कोच रवि शास्त्री से विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। जब टीम लौटेगी तब सीओए कुछ प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के पहले अवसर पर चयनकर्ताओं के साथ बैठक करेगी। विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए और बीसीसीआई को इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर कड़ी निंदा झेलनी पड़ी थी। टीम इंडिया ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-2 से गवाई थी। सीओए और बीसीसीआई को आलोचना का सामना करना पड़ा था क्योंकि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को दौरे की तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिला था। टीम इंडिया ने पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज खेली, इसके बाद 5 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट की शुरुआत 1 अगस्त से हुई। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पास इंग्लैंड परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिए 1 महीने का समय मिला। मुरली विजय और अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज बल्लेबाज सीमित ओवर सीरीज में टीम इंडिया के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्हें भारत की तरफ से लाल गेंद क्रिकेट खेलने के लिए जल्दी इंग्लैंड भेजा गया। हालांकि अब तक खेले गए 2 टेस्ट की 4 पारियों में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। ऐसे में रवि शास्त्री से कई मामलों में सवाल किए जा सकते हैं। लगातार 2 हार से परेशान भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है कि उसके तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिट हो गए हैं और शनिवार से नॉटिंगहम में शुरू होने वाले 3rd टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इंग्लैंड पहले 2 टेस्ट जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे चल रहा है। जून में डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ दौरे का पहला मैच खेलते हुए बुमराह के बाएं हाथ में चोट लग गई थी। वो इसके बाद बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के अलावा पहले 2 टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। बुमराह की 4 जुलाई को लीड्स में सर्जरी हुई, जिसके बाद उन्होंने भारत में रिहैबिलिटेशन में हिस्सा लिया। उन्हें इसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम से जोड़ा गया। बुमराह को टेस्ट सीरीज के दौरान चेम्सपोर्ट, बर्मिंगहम और लॉर्ड्स पर नेट पर समय बिताते हुए देखा गया। टीम प्रबंधन को हालांकि उनके हाथ का प्लास्टर उतरने का इंतजार था। 2रे टेस्ट में बारिश के खलल के दौरान एक नेट सत्र में बुमराह को बिना प्लास्टर के गेंदबाजी करते देखा गया और अब उनकी अगले मैच के लिए उपलब्धता की पुष्टि हुई है। हालांकि ये देखना होगा कि मैच अभ्यास के बिना उन्हें अंतिम 11 में जगह मिलती है या नहीं। इस बीच अश्विन और हार्दिक पांड्या को भी फिट घोषित किया गया है। 2रे टेस्ट में दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान इन दोनों के सीधे हाथ की उंगलियों पर गेंद लग गई थी। अश्विन के साथ 2 बार ऐसा हुआ और कप्तान कोहली भी 3रे टेस्ट के लिए पूरी तरह से फिट होने की दौड़ में शामिल हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में मिली टीम इंडिया की करारी हार के बाद टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को आलोचकों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रवि शास्त्री के खराब टीम मैनेजमेंट और उनके खराब डिसीजंस की भी आलोचना हो रही है। ऐसे में कई लोगों का ये कहना है कि रवि शास्त्री टीम को खराब कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी से टीम को चला रहे हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का कोच बनाया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने बेहतर रिजल्ट दिए हैं। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया एक बार अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है तो एक बार विश्व कप जीता भी है। तो वहीं पर राहुल द्रविड़ ने टीम के बहुत बेहतरीन प्लेयर्स दिए हैं। बड़ी बात यह है कि पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के ही ट्रेन किए हुए हैं। ऐसे में राहुल द्रविड़ को कोच बनाने की रेस का नाम और आगे उजागर हो चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 3रा टेस्ट शनिवार से खेलने जा रही है और आपको बता दें कि यह टेस्ट मैच ट्रेंट ब्रिज के मैदान नॉटिंगहम में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि आंकड़े थोड़े से डरावने हैं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि टीम इंडिया ने नॉटिंगहम में 6 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उसे सिर्फ 1 में ही जीत नसीब हुई थी। आपको बता दें कि वो जो इकलौती जीत टीम इंडिया को जो नसीब हुई थी वो साल 2007 में हुई थी, जब कप्तान राहुल द्रविड़ थे और भारतीय टीम ने साल 2007 का इंग्लैंड दौरा जीता भी था। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद कप्तान विराट के सामने सबसे बड़ा डर तो यही है कि नॉटिंगहम की विकेट कैसी होगी, क्योंकि पिछले 2 टेस्ट मैचों में जो विकेट दिखी है भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई। ऐसे में अगले मैच में कई सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि नॉटिंगहम के मैदान पर इंग्लैंड पिछले 5 टेस्ट मैचों में 1 भी मैच नहीं हारा है और 1 भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है, यानी कि पूरी तरह से आंकड़े जो है इंग्लैंड के फेवर में है। अब टीम इंडिया को अगर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करना है तो वहां पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही करना पड़ेगा। तो देखा आपने, हमने आपको आज की 5 बड़ी खबरों से रूबरू कराया। उम्मीद है कि आपको खबरें जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको भी किसी फेवरेट क्रिकेटर या और स्पोर्ट्स स्टार की खबर देखनी है या जो आप चाहते हैं कि खबर हम आप तक पहुंचाएं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हमारा वादा है कि हम आप तक ज़रूर उस खबर को पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 5 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।